दोस्तों सब्सक्राइब करें पटेल डिजिटल ट्रस्ट को और दबाएं इस घंटे को ताकि देख पाएं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट हमारी वीडियो का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील पटेल है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पटेल डिजिटल ट्रिक्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसी एप्लीकेशन के बारे में जिससे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे 4D वॉलपेपर लगा सकते हैं। जैसे अपने मोबाइल को राइट या लेफ्ट झुकाएंगे तो देखें दोस्तों, मैं अपने मोबाइल को राइट लेफ्ट झुका रहा हूँ तो देखना मेरी स्क्रीन मोबाइल की हिल रही है। मतलब क्या है, जब भी ये वॉलपेपर आप लगाएंगे आपको यहाँ पे इस ऐप में आपको हजारों वॉलपेपर 4D में मिल जाते हैं। अपने पसंद का अपने चॉइस का वॉलपेपर लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऐप एक धमाकेदार ऐप है जिसकी मदद से आपके मोबाइल के स्क्रीन रियल 4D में लगेगी। चलिए दोस्तों, उस ऐप का नाम है पिक्सल 4D। यहाँ पे आपको दोस्तों आपको मनपसंद के वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा आपको कहाँ से सर्च करके डाउनलोड करना है और कैसे डाउनलोड करना है, और वीडियो के लास्ट में भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ, इसका नाम पिक्सल 4D। चलिए दोस्तों मैंने इसको ओपन कर दिया। इसको ओपन करने के बाद उसका कुछ इंटरफेस ऐसे आएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास नेट है तो आप इसको आसानी से खोल सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे हजारों वॉलपेपर्स आपको मिल जाएंगे, ये भी 4D वॉलपेपर्स। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, एक धमाकेदार ऐप है, आप यहाँ से किसी भी तरह का वॉलपेपर लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं एक वॉलपेपर ओपन करता हूँ, जैसे फ्लेमिंग बल्ब, मैंने इसको ओपन कर दिया। इसमें क्लिक करूंगा, इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको डाउनलोड करने के लिए पूछेगा। डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद सेट वॉलपेपर बोलेगा और सेटिंग पूछेगा। दोस्तों जैसे मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को राइट लेफ्ट कर रहा हूं तो देखें दोस्तों आपको कुछ हलचल दिखाई दे रही होगी। मतलब क्या, इसका ये 4D में है तभी दोस्तों आपको ऐसा दिख रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पे सिंपली सेट वॉलपेपर में क्लिक कर देंगे। सेट वॉलपेपर में क्लिक करने के बाद जैसे आप बैक जाएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसे दिख जाएगा। दोस्तों एकदम स्लोली एकदम चल रहा है। दोस्तों जैसे आप मोबाइल को राइट लेफ्ट स्क्रीन पे खिसकाएंगे यानी मोबाइल को झुकाएंगे तो उसी हिसाब से ये अपने आप को वेट करता जाएगा। चलिए दोस्तों मैं इस ऐप को ओपन कर दूँ। आप यहाँ से दोस्तों जैसे आप किसी ऐप को डाउन, जैसे मैं ये और मैं कोई आपको एक करके बताता हूँ यूज करके। आप जैसे यूज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वॉल वॉल पर। जैसे स्पाइडर मैन है, मैं इसमें क्लिक करूँगा। इसमें क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड करने के लिए बोलेगा, आप ओके कर दीजिए। सिंपली ओके करने के बाद दोस्तों डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों यस करना है आपको। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है ओके। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सेट वॉलपेपर और सेटिंग दो ऑप्शन खुल जाएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सेट वॉलपेपर में क्लिक कर देंगे। दोस्तों देख, मैं अपने मोबाइल को राइट लेफ्ट झुका रहा हूँ यानी नीचे कर रहा हूँ तो ये वॉलपेपर मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे हिल रहा है। देखे दोस्तों दिख रहा है ना। दोस्तों आपको सिंपली सेट वॉलपेपर में क्लिक कर देंगे। सेट वॉलपेपर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ से आसानी से वॉलपेपर्स देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों मैंने स्क्रीन पे आया, देख दोस्तों मेरे स्क्रीन पे सेट हो गया। ये दोस्तों ओरिजिनल 3D आपको लगेगा। आप अपने दोस्त या किसी फ्रेंड को अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखा के उसको खुद कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताएं। और चैनल का दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इस ऐप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपना प्ले स्टोर ओपन करना है अगर आपके पास नेट है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है पिक्सल 4D। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिक्सल 4D वॉलपेपर। दोस्तों ये मैंने इसको सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद उसका कुछ इंटरफेस ऐसे आएगा, आप सर्च करके यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और एक थम्सअप जरूर दीजिए। थैंक यू दोस्तों हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।